Okay, hello students, welcome back and let's continue with indefinite integration का algebraic profile number 6। अभी तक हमने algebra में 1, 2, 3, 4, 5 profile कर लिया है। Now this is 6th profile which is 1/L1 root L2, 1/Q root L, 1/L root Q and 1/ax square plus bx plus c। L stands for linear, मतलब ax plus b जैसा। Q stands for quadratic, मतलब ax square plus bx plus c जैसा। और ax square plus b का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। So now what I am going to tell you one by one कि चारों प्रोफाइल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो L का मतलब हुआ लीनियर और Q का मतलब हुआ क्वाड्रेटिक। फर्स्ट वाले केस में L2 को टी स्क्वायर मान लो कि प्रॉब्लम अपना क्या है, रूट का है, रूट इससे गायब हो जाएगा, बाकी सेट हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या करो, सेकंड वाले में L को टी स्क्वायर मान लो, L मतलब लीनियर, L1 L2 मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग लीनियर थे तो एक को L1 लिखा, एक को L2 लिखा। L रूट Q में क्या करते हैं, यहाँ पे L को 1/t मानते, थोड़ा टिपिकल है, अब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। और फोर्थ में x को 1/t मानेंगे एंड इन सेकेंड स्टेप c प्लस dt स्क्वायर आएगा, उसको u स्क्वायर मानेंगे। दीज आर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज आई हैव 1/2 plus x root 3x minus 4. This you need to integrate. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कैसा क्वेश्चन होगा, ये होगा 1/(x² + x + 1) root x + 1, मतलब q root l। थर्ड की बात करेंगे तो यहां हो सकता है 2x plus 3 into under root q, मतलब x square plus x plus 1। कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट ना हो इसलिए लेट अस टेक इट x plus 1 या x minus 1 एंड दिस इज 1/2x² + 3 root 3 minus 4x square, समथिंग लाइक दैट। मैंने एक में a पॉजिटिव ले लिया, एक में a नेगेटिव ले लिया, डज इट मेक एनी डिफरेंस, तो इट विल बी क्लियर। ना फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 3x minus 4 को टी स्क्वायर मानना है। 3x minus 4 को टी स्क्वायर मान के डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2t dt। ना क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करता हूं, dx इज व्हाट, 2/3t dt। रूट 3x minus 4 क्या हो जाएगा, t, वो यहाँ का यहाँ लिख दिया, दिस पार्ट इज रिमेनिंग x प्लस 2। बोलो x का वैल्यू क्या है, यहाँ से x का वैल्यू देखोगे तो आएगा t² + 4/3 + 2। ध्यान से देख लो, x का वैल्यू होगा t² + 4/3, t² + 4/3। ये t और t कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करने में 2/3 कॉमन आ गया, नीचे एलसीएम लोगे 3 तो बचेगा t² + 4 + 6। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया एंड व्हाट वी फाइनली हैव इज 2 dt/t² + 10 और 10 को लिख देते हैं √10 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद आया, फॉर्मूला इज 1/√x² + a square। So that will be 1/a tan inverse x/a। t का जो भी वैल्यू है आप वो पुट कर सकते हैं। So this is first question. Now I am going to solve this second question. Second question, let me rewrite it. x square plus x plus 1 into root x plus 1. Okay. So this question में क्या करते हैं, L को t स्क्वायर मानते हैं, रूट में है ना, रूट में है तो x प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लेते, dx हो जाएगा 2t dt। अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं है तो सीधा डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt इक्वल टू 2t, dt इधर ले गए, या फिर t x के रिस्पेक्ट में करो तो यहाँ आएगा 1 इक्वल टू 2t dt बाई dx, तो dx यहाँ आ जाएगा। बट अब तक कंफर्ट हो जाना चाहिए था। x का वैल्यू मिला टी स्क्वायर माइनस 1, dx का वैल्यू मिला 2t dt अपॉन x स्क्वायर, क्या होगा x स्क्वायर होगा t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x है t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और ये रूट x प्लस 1 क्या है, दैट इज एक्चुअली t। t और t कैंसिल हो गया, सो हमें क्या मिला, वी हैव नाउ 2dt अपॉन t पावर 4 प्लस 1, और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल प्लस 1, माइनस 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इज माइनस t स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, ये सेम क्वेश्चन हो गया जो भी प्रोफाइल 5 में मैंने सॉल्व किया था। प्रोफाइल 5 में था 1 अपॉन x पावर 4 माइनस या प्लस एक्स स्क्वायर था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रोफाइल नंबर A5 का क्वेश्चन है जिसमें ऊपर क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 और 1, बीच में एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म। तो यहां भी वैसा ही है, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है और नीचे कुछ भी टी स्क्वायर, लेकिन ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 या टी स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था, यहां तो ऐसा है नहीं। तो 2 को ब्रेक करने का तरीका सिखाया था कि 2 को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंस। देख लो, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 और प्लस 1 इज 2, डिवाइडेड बाय टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 देन व्हाट वी डू, फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में दोनों में फर्स्ट स्टेप इज एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी, सॉरी टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट में देखोगे टी स्क्वायर से डिवाइड करके तो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ही है। नाउ व्हाट, फर्स्ट वाले केस में न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन आएगा टी माइनस 1 बाई टी, उसको u मान लेंगे, टी प्लस 1 बाई टी आएगा इसका इंटीग्रेशन, उसको v मान लेंगे, एंड वी प्रोसीड जस्ट लाइक एग्जैक्टली द लास्ट क्वेश्चन। प्रोफाइल A5 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली ऐसा ही था, उसमें 2t स्क्वायर था तो हमने क्या लिखा था, इन दोनों का सम, या 2 है तो लिखा इन दोनों का डिफरेंस। सो क्वेश्चन लेंदी है बट इट इज एज इट इज। सो दिस इज q रूट l का क्वेश्चन हो गया। नाउ वी आर मूविंग फॉर l रूट q टाइप क्वेश्चन। ओके, सो वेट, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 अपॉन l रूट q। 1 अपॉन l रूट q में हमें क्या करना है, L को 1 बाई टी मानना है। सो लेट्स से x माइनस 1 को 1 बाई टी मान ले। लेट मी क्लीन दिस ऑल्सो। सो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें x माइनस 1 को 1 बाई टी मान ले। dx will be minus 1 by t square dt. dx will be minus 1 by t square dt. So, minus dt upon t square. This x minus 1 is what? 1 by t. Root के अंदर t square plus x square plus x plus 1. बोला x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है 1 plus 1 by t. एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई टी प्लस 1। ना माइनस डी टी अपॉन, देखना एक टी तो यहाँ कैंसिल हो गया, 80 बाहर बचा हुआ है और रूट के अंदर आएगा 1/t स्क्वायर +1 +1 +1 दैट इज 3 +2/t + 1/t दैट इज 3/t. Now if I multiply this t each side, तो अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा t स्क्वायर, बाहर t है रूट के अंदर t स्क्वायर हो जाएगा तो वी विल गेट 1 + 3t स्क्वायर + 3. Now what is this? So this is actually algebraic profile number 1 A1. A1 में क्या करते थे 1/quadratic है ना 3D एक्चुअली, तो इसमें क्या करते थे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और गोल्डन फॉर्मूला लगा देते हैं. सो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे तो सी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले 3 कॉमन लेंगे. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्वाड्रेटिक को सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन लेते, फिर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, इसके इसमें t के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर क्या होगा, t का कोफिशिएंट है 1, उसका हाफ हुआ हाफ, स्क्वायर हुआ 1/4, तो यहाँ 1/4 प्लस माइनस करेंगे एंड दिस पार्ट विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ t प्लस 1/2. बाकी बचा 1/3 - 1/4. 1/3 - 1/4 इज 1/12. सो दैट इज योर परफेक्ट स्क्वायर. सो आई विल राइट इट एज 3 भी कॉमन ले लेते हैं. 3 कॉमन लिया तो √3 आया और अंदर बचा t प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 1/2√3 का स्क्वायर. अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो 1/√x² - a² और 1/√x² + a², दोनों का फॉर्मूला सिमिलर होता था. गोल्डन फॉर्मूला याद करो, अगर a² - x² होता तब तो आसान था, a² - x² में साइन इनवर्स x/a होता है, लेकिन a² + x² में log mod x plus denominator. So let me write it -1/√3 log mod x, इस केस में x है t प्लस हाफ, प्लस डिनोमिनेटर ये पूरा का पूरा रूट दैट इज t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/12 एंड दैट इज योर आंसर. प्लस ही कर देना. सो कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज मैंने ऐसे रैंडम क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इट मे बी बेटर दैन दिस. तो रियल कैलकुलेशन जो होगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में इट मे बी सिंपल, हो सकता है रूट के अंदर तीनों टर्म ना हो 2 ही टर्म हो, बट अल्टीमेटली द कॉन्सेप्ट इज दिस दैट वी हैव टू यूज. एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं 2x² + 3 √3 - 4x². सो द आइडिया वॉज पहले x को 1/t रखो, फिर रूट के अंदर जो बचेगा उसको u² मानो. ये मैंने c + dt² कैसे लिखा है समझना. x को जब 1/t रखोगे तो ये c/t² + d होगा, एलसीएम लोगे तो c + dt² आ जाएगा, उसको हमें u² मानना है. सो आइडिया इज x को 1/t रखो, फिर सिंप्लीफाई करके जो रूट में आए उसको u² लिखने का. सो यहां x को लेट्स टेक 1/t तो dx विल बी -1/t² dt -dt/t². x को 1/t रखा है तो ये 2/t² + 3 हो जाएगा, रूट के अंदर 3 - 4/t² हो जाएगा. एक t² मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट आई गेट इज 2 + 3t². यहां देखो कि एलसीएम लेंगे तो 3t² - 4/t लिख सकते हैं, t² एलसीएम था उसका रूट लिया तो t आ गया और ये t चला जाएगा ऊपर -t dt/2 + 3t स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर माइनस 4 का रूट। ऑल गुड। सब्स्टिट्यूशन अभी एक हुआ है, दूसरा बचा है क्या, रूट के अंदर जो बचा 3t स्क्वायर माइनस 4 उसको स्क्वायर मान लो, डोंट कंफ्यूज विथ 4 एंड यू। डिफरेंशिएट करोगे तो 6t dt ये 4 है इक्वल टू 2u du। सो टेल मी, माइनस बाहर आ गया, t dt क्या हुआ, t dt हुआ u du अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस 3t स्क्वायर, और 3t स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा u स्क्वायर, u स्क्वायर का रूट इज u। अब नीचे बच गया ये 2 प्लस 3t स्क्वायर, ओह 3t स्क्वायर का वैल्यू क्या है u स्क्वायर प्लस 4, तो सीधा सीधा u स्क्वायर प्लस 4। u से u कैंसिल हो गया, मिला 1/3 du अपॉन u स्क्वायर प्लस 6। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस अलजेब्राइक प्रोफाइल नंबर 6। ध्यान से देख लो इसको, चारों प्रोफाइल किया। पहले वाले में L को L2, रूट वाले को t स्क्वायर माना, रूट वाले को t स्क्वायर माना, यहाँ रूट वाले को t स्क्वायर नहीं मान रहे क्योंकि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो L को 1/t माना। थोड़ा अजीब सा है कि पूरे लिनियर को ही 1/t मान लिया, बट क्वेश्चन आसान था। ये लिखा हुआ है देखो, x माइनस 1 पूरे को 1/t मान लिया। बाद में थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन। एंड फोर्थ प्रोफाइल क्या था, x को 1/t मानो, फिर रूट के अंदर जो आया वो ऐसा आएगा, उसको u स्क्वायर मानेंगे। सो दैट इज दिस प्रोफाइल। इसमें और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे यहाँ भी क्वाड्रेटिक जो है, ये क्वाड्रेटिक अगर दो लीनियर फैक्टर में बट जाए तो L2 को भूल जाओ, और 1/2 फैक्टर अगर लीनियर है तो पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दो। पार्शियल से अलग अलग करोगे तो ऐसे दो क्वेश्चन बन जाएंगे, काफी आसान हो जाएगा। दोज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू लेटर। सो फॉर द मोमेंट दिस इज अलजेब्राइक प्रोफाइल नंबर 6। थैंक यू।